पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर हर तरफ बड़े ही धूमधाम मची हुई है और इसी कड़ी में दिल्ली में मॉडल टाउन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शालीमार पार्क में स्वतंत्रता दिवस मनाया और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर कार्यक्रम में समा बांध दी। बच्चों ने नाच गायन कविता रिदमिक योगा करके लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में प्रधान विजय डालमिया, वरिष्ठ उप प्रधान प्रेम मनोहर गोयल, महासचिव निर्भय नरूला मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, हैम्पर और प्राइज प्रदान किए। मैं निर्भय नरूला, मॉडल टाउन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। ये आज आजादी का अमृत महोत्सव नागरिकों और 6 स्कूलों के 200 बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें बहुत हम हमाकर लोग आए, बच्चे आए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी, नृत्य की, गानों की। और हमारी संस्था मॉडल टाउन RWA हमेशा से ये प्रोग्राम पिछले 12-13 साल से करती आ रही है। 2 साल से कोविड के दौरान ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने देखा कि किस एक जोश के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। और हमारी RWA हमेशा चाहती है कि मॉडल टाउन में स्वच्छ रहे, मॉडल टाउन स्वस्थ रहे, मॉडल टाउन के प्रत्येक निवासी को जल अच्छा मिले और कितनी सड़कें अच्छी मिले, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और ये प्रोग्राम ऐसे ही आगे होता रहेगा, ये मेरा वादा है सबसे। और जैसे मैंने अपनी वक्तव्य में भी कहा था कि हमारे देश में 29 राज्य 129 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब मिलकर एक ही दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार हमारे मॉडल टाउन के सब निवासियों ने, मॉडल टाउन के जितने हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सबके बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ा देश बड़ा अच्छा माहौल बनाया। बहुत खुश हैं और कोशिश रहेगी कि आगे भी सब लोग ऐसे इंजॉय करते रहे। बहुत ही अच्छा विचार था मोदी जी का, हर घर तिरंगा जो किया। मैं अभी कल ही नैनीताल से आया हूँ, वहाँ पर भी मैं रास्ते में भी गाड़ी में देखता हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर तिरंगा ना लगाओ। बहुत ही गर्व और खुशी की बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ही कर रहे हैं भाई। मेरे ख्याल ये दुनिया के एक इवेंट के अंदर इसका नाम आना चाहिए।